नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में, जहां पर 25 साल की एक गर्भवती महिला की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि परिवार वाले जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो जिला नागरिक अस्पताल से दिखा रहे हैं। डबरकी गला गांव है जहां की महिला थी और गर्भवती महिला थी। और ये कोई पहला वाक्या नहीं है जब किसी गर्भवती महिला की या किसी बच्चे की जिला नागरिक अस्पताल में मौत हुई हो। से पहले भी कई वाकई सामने आए हैं, कई बार अखबारों में आपने खबर देखी होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने भी खबर दिखाई है कि एक एक बेड पर तीन तीन महिलाओं को वहां पर रखा जाता है। इलाज के लिए स्टाफ की कमी है, बेड की कमी है। स्थिति आप देख सकते हैं कि अंदर की कितनी गंभीर है। और फिलहाल जो जिला नागरिक अस्पताल है वहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हुई है और 25 वर्ष महिला की उम्र बताई जा रही है। और जो महिला के पति हैं उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या कब आप महिला को लेकर आए थे और क्या एक डेढ़ बजे करीब इनको कहते रहे कार्रवाई करो जी, कार्रवाई करो, कदी इधर भेजा कदी इधर भेजा जी, यही टाइम पूरा कर दिया जी। इन्होंने ना जवाब दिया कोई चीज़ से, भाई कहीं ले जाओ आपने, आप ये भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। अब जब निमट चुका है काम, अब कहते हैं ले जाओ जी। डेथ हो गई है महिला की। क्या उम्र थी महिला की? 25 साल जी। तो डिलीवरी को क्या हो गई थी, होनी थी, कितने होनी थी, कितने दिन? 20-25 दिन पड़े हैं जी। तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती थी? हाँ जी, हो सकती थी। हमने उसने कहा अभी डॉक्टर एडमिट करवाओ, मैं करवा के आई थी। उसने अभी इसने एडमिट करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो वापस लेके आना। इसने इसने के पास गया, कर लिया तो पुलिस मौके पर पहुंची है फिलहाल। हाँ जी, मौके पे। कौन से गांव के आप रहने वाले हो? गांव डबरकी से। डबरकी के? तो पहले भी हॉस्पिटल में लेकर आए थे आप? कुछ लेकर आए थे। क्या हुआ था तब? फिर इन्होंने हाथ उत मार के बच्चा भी खराब कर दिया अंदर अपना। फिर कहने लगे छुट्टी ले जाओ, चाहे जैसे मर्जी करो जाओ। आप देख सकते हैं कि परिवार के जो तमाम लोग फिलहाल यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो तब तक इस तरह के जो वाक्य हैं वो सामने निकल कर आते रहेंगे। इससे पहले भी कई वाक्य सामने आए हैं जब महिला की मौत हो जाती है या किसी बच्चे की मौत हो जाती है। 20 से 25 दिन अभी डिलीवरी को होने बाकी थे ऐसा उनका पति का कहना है, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती थी। लेकिन जो महिला की हालत है उसके इलाज के लिए वो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इलाज समय पर नहीं मिला और नतीजा आप देख सकते हैं कि महिला की मौत हो जाती है। बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है, यानी कि 20 दिन जो पहले भी यहाँ पर अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे तब भी स्थिति को नहीं समझा गया, और आज जब इलाज के लिए यहाँ पर लेके आए तो समय रहते उसका महिला का इलाज नहीं हुआ और फिलहाल परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक करनाल की स्थिति पहुंचे और करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी कई वाक्य सामने आते थे। मेरी लड़की थी ज्योति, हम 4 दिन पहले ले गए, इन्होंने गौर नहीं करा, परसों करके हम छुट्टी धक्के थे ले गए थे, फिर आज फिर ले गए 1 बजे, इन्होंने गौर नहीं करा मेरी चोरी का, अंदर पड़ी रहेगी, कल ही किसी को नहीं जान दिया, उसकी जटानी गई, उसको कहा थप्पड़ मारेंगे हम तुम्हारे को, नर्स ने कहा मेरी चोरी है, कल ही तड़पती रहेगी, वहाँ किसी को नहीं जान दिया ऊपर इन्होंने। जिम मह गई मेरी ज्योति, खत्म हो रही थी मेरी ज्योति, मेरी खत्म हो रही थी, मैं गई रोला न कर। जब परसों ले आया हम अपनी जागती को, सारे ने नर्सा ने हाथ मार मार के मेरी ज्योति को खत्म कर दियो। कोई दिक्कत नहीं थी मेरी ज्योति को, मेरी चोरी को कोई दिक्कत नहीं थी, एक बीपी बढ़ रहा था, इन्होंने हाथ मार मार के खराब कर दिया मेरी ज्योति को, मार दिया। बीपी के लिए आए थे और बीपी ऊपर नीचे हो रहा था और
खून में अफेक्शन बताया, यहाँ से टेस्ट करे अफेक्शन नहीं था, पर हमने जो सा बेबी के लिए आए थे ना, फिर इन्होंने हाथ मारा, तीन चार नर्सों ने मार लिया, बच्चा बीच में वैसे हो गया सिस्टम उसका, ये हो गया। पहले बोल रही थी मेरे साथ, बोली थी आप मिले थे? हाँ जी, मेरे साथ बैठी रह गई थी, मैंने बोला उसको टांगे भी घुटी, फिर मैं नर्सों ने बाद में बाहर आई, उन्होंने ऐसे ऐसे दबाया, ऐसे ऐसे करा उसको, बाद में अंदर गए नहीं थी, मैंने कहा मैं चाय लेके आ रही हूँ 2 मिनट, इसके ऐसे ऐसे करा नहीं थी, खत्म थी। कितने बजे की घटना है? लगभग एक घंटा हुआ। क्या क्या मांग चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी इसको चाहिए? इसको दिक्कत ये थी, बीपी नहीं देखा, बीपी चेक नहीं करा इसका, बिल्कुल भी देखा भी नहीं, कितनी बारी गई थी, मैंने कहा देख लो एक बार, देख लो एक बार, अगले ना सुनते हैं ना कुछ, बच्चा उसका खत्म हो रहा है, देख लो एक बार, देख लो, कहते देखते हैं जब हम अंदर गए देखने वो खत्म हो रही थी, जब देखने गए सारी मशीनें लेके गए, सब डॉक्टर भाग के गए वहाँ। आप स्थिति समझ सकते हैं, जिला नागरिक अस्पताल जिसे कहा जाता है CMCT करनाल, और करनाल की स्थिति फिलहाल प्रसूति कक्ष की क्या है, लेबर रूम की क्या है, हमने कई बार देखा है, हमने आपको दिखाने का भी प्रयास किया है कि एक एक कमरे के अंदर जो कमरा है उसमें एक बेड पर तीन तीन लोग, तीन तीन मरीजों को रखा जाता है, तीन तीन महिलाओं को रखा जाता है। स्थिति समझ सकते हैं आप कितनी ख़राब है, और फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लगातार जो परिवार के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी भी लापरवाही है, क्योंकि महिला को इलाज के लिए लेकर आया गया था यहाँ पर और इलाज समय पर नहीं मिला, इलाज में लापरवाही बरती गई, और लापरवाही बरतने का नतीजा ये है कि महिला की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। 25 साल की ज्योति जो डबरकी गला गाँव की रहने वाली थी, वो उनकी शादी वहाँ पर हुई थी, और फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, और फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुँची है और मामले की जांच को समझती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और उन वायदों पर सरकार, नेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां खरी हुई उतरती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें इंसानी ज़िंदगी की कीमत समझ नहीं आती है, उन्हें सिर्फ वोट समझ आते हैं, उन्हें सिर्फ वायदे समझ आते हैं, उन्हें सिर्फ नारे समझ आते हैं। अगर यहाँ की स्थिति को सुधार लिया जाए, अगर लेबर रूम की स्थिति को सुधार लिया जाए, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को ना मिले, ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, महिलाएँ भी सुरक्षित रहेगी। पुलिस भी मौके पर पहुँची है, पुलिस से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, उनके संज्ञान में क्या मामला आया था जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के तमाम लोग यहाँ पर हैं, और पहला कोई वाक्या नहीं है जब किसी महिला की मौत हुई हो या किसी बच्चे की मौत हुई हो, इससे पहले भी कई वाक्या सामने आए हैं करनाल के ज़िला नागरिक अस्पताल में, जहाँ पर महिला की मौत हो जाती है, इलाज समय पर नहीं मिलता है, इलाज में लापरवाही बरती जाती है, और नतीजा ये होता है कि जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए होते हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। करनाल के जो विधायक हैं यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और तमाम उन राजनीतिक पार्टियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो तमाम बड़े बड़े वायदे करते हैं कि करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो बेड की कमी है उस बेड की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है, जो स्टाफ की कमी है उस स्टाफ की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है, और महिलाओं को समय पर इलाज देने की ज़रूरत है। अगर उनकी स्थिति भी थोड़ी भी गंभीर होती है तो समय पर अच्छा इलाज मिलेगा तो उनकी हालत में सुधार लाया जा सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती थी लेकिन वो भी नहीं हुई, और जो महिला है 25 साल की ज्योति है उसकी मौत हो जाती है। क्या बताना चाहेंगे आप? सर पुलिस वाले कह रहे हैं साइन मार दो एक बार जी, बोलो जी क्या, आप बताओ क्या करोगे, आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे जी? वो बोल रहे हैं साइन कर दो जी एक बार। हमने बताया था ब्रीडिंग चल रही है, इसको देख लो मैडम से क्या, मैंने जाके हाथ जोड़ा, कहते तेरे को थप्पड़ मारूंगी, पीछे हट जा मेरे से, मेरे को हाथ लगाना मत लगाना है, मेरे को कहते बाहर चले जा, अंदर नहीं रुकना, फिर मैं बाहर आ क्या कर दी बता, अंदर भी नहीं रुकना देते मरीज के ऊपर, जवाब देते हम प्राइवेट लेकर। लापरवाही आप समझ सकते हैं कितनी है, लगातार ये शिकायतें मिलती हैं इस तरीके से अंदर बेड में महिलाओं के
रखने की जगह नहीं है, यानी कि उन्हें बेड पर सुलाने की जगह नहीं है, उनको आराम करवाने के लिए एक एक बेड पर तीन तीन महिलाएं सोई हुई होती हैं, यानी कि स्थिति अंदर की इतनी ख़राब है जिसको लेकर ध्यान कोई भी नहीं दे रहा है। फिलहाल परिवार के तमाम लोग जिनका रो रो कर बुरा हाल है, स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि करनाल के गाँव के ये रहने वाले थे, यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं। गाँव के जितने भी लोग हैं यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, आप ये समझने के लिए आते हैं कि काश यहाँ पर वो आएंगे तो उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा, उनका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, उनके परिवार की जो महिला है वो भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन यहाँ आकर स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के लेबर रूम की, जहाँ पर एक महिला की मौत हो जाती है। महिला की उम्र 25 साल बताई जा रही है, डबरकी गला गाँव की वो रहने वाली थी, 25 साल उनकी उम्र थी, ज्योति उनका नाम था। इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आते में लापरवाही बरती जाती है और इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मौत हो जाती है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतेगी जो फिलहाल आप देख सकते हैं, जिनकी बेटी गई है, जिनकी पत्नी गई है, जिनकी बहन गई है, उनके ऊपर स्थिति कितनी ख़राब होगी, उनकी स्थिति कितनी दयनीय होगी, ये समझने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो परिवार के लोग चाहते हैं वो उनकी मांग पूरी हो सके और सरकार तक ये बात पहुंच सके, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक ये बात पहुंच सके जो बड़े बड़े दावे करते हैं, और असली हकीकत क्या है करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की, वो स्थिति इन्हें नज़र आ सके ताकि आगे किसी महिला को अपनी जान ना गंवानी पड़े, आने वाले समय में किसी बच्चे को अपनी जान ना गंवानी पड़े। लेकिन ये जो खबर है वो बेहद दुखद खबर है, परिवार में रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारायण।